Hello students, welcome to Tapovan Group of School. My name is Rajput Moni. We are going to Standard 8 Subject Maths, Chapter Number 12, Exponent and Power. So first thing ki, what is the exponent and what is the power? So exponent kise kehte hai, power kise kehte hai? Ye maine likha 3 upar 2. So ye hamara exponent hai aur ye hamara power, right? Yani 3 ki power kitni hai? To 2 hai, right? So is tarah se aapko sum karna hai. So start karte hain. तो फर्स्ट है इवोल्यूट, क्वेश्चन नंबर 1 इवोल्यूट. अब इसे कैसे करना है वो सारी चीज़ें देखते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन में 3 माइनस 2, तो इसका मीनिंग फर्स्ट थिंग इसे हमें प्लस में कन्वर्ट करना है. तो ये फॉर्मेट है, अगर कोई भी वैल्यू माइनस में है, जैसे कि किसी की पावर माइनस में है, देखो a रेस टू माइनस m है, पावर इसकी कितनी है माइनस m है, तो आप क्या लिखोगे 1 अपॉन a रेस टू m. यानी कि ये प्लस में करने के लिए उसको हम कहाँ ले जाएंगे, डिवाइड में ले जाएंगे. अगर प्लस में ऑलरेडी है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है. फिर अगर आपकी दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो आप क्या करोगे, अगर मल्टीप्लाई है तो क्या करोगे, आप इसका प्लस कर दोगे. 2 प्लस 3 कितना होगा, 5. अगर आपकी पावर नीचे का एक्सपोनेंट सेम है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई के साथ आप कर सकते हो. डन. तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है. आगे डिवाइड आएगा तो आपको डिवाइड में क्या करना है वो देखेंगे. तो अभी स्टार्ट करते हैं सम. फर्स्ट माइनस वाला देखते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो गए आप. तो 3 है, उसकी पावर माइनस 2 है, तो फर्स्ट इसे प्लस करने के लिए हम कहाँ लेके जाएंगे, डिवाइड में. यार फॉर्मेट लिखा हुआ है, यानी कि 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, तो कितना होगा 1 अपॉन 9. 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, सो कितना आएगा 9. सेकेंड नंबर, अब यहाँ पे पावर क्या है, -4 इज ऊपर भी पावर रेस टू -2, ठीक है. तो यहाँ पर -4 है ऑलरेडी, इसकी पावर कहाँ पे है, माइनस में, तो इसे कुछ नहीं करना है, वापस नीचे जाओगे -4 का स्क्वायर, ये हो गया प्लस. पावर प्लस हो जाएगी पर नंबर प्लस नहीं होगा, आपको सिर्फ पावर को ही प्लस कर सकते हो, डिवाइड में जाओगे तब. तो ये हो गया, नीचे जाके देखो यहाँ पे माइनस की साइन है, ओके. अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो -4 × -4 कितना होगा, -4 × -4 = 16, यानी 1 अपॉन 16. जब भी किसी नंबर की पावर इवन नंबर में, तो आंसर प्लस में हो जाएगा. अगर किसी नंबर का जो भी नंबर्स है उसका जो माइनस की साइन जो है माइनस में है और उसका जो पावर है वो ऑड नंबर में है, तो क्या होगा, वो माइनस की साइन देगी. जैसे यहाँ पे स्क्वायर था, इवन नंबर था, तो ये प्लस में हो गया, माइनस था फिर भी प्लस में होगा. लेकिन अगर ऑड नंबर में होता, 3 होता 2 की जगह पर, तो यहाँ पर आंसर प्लस में नहीं होता, तब क्या होता, माइनस में होता, ओके. आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो. अब यहाँ पे 1 अपॉन 2 है और उसकी जो पावर है वो माइनस में है, -5, तो हमें क्या करना है, ऊपर वाला नंबर नीचे लाना है, नीचे वाला नंबर ऊपर ले जाना है, रेसिप्रोकल करना है. तो 2 अपॉन 1 हो गया, इसकी पावर कितनी है, 5, तो 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 टाइम, ये तो ऑलरेडी प्लस है, तो प्लस में ही आंसर रहेगा, माइनस होगा 9. तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 and 16 2 32, तो आंसर कितना आएगा, 32. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसे हमें सॉल्व करना है. अब इसमें डिवाइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिवाइड. तो डिवाइड कैसे करना है वो देख लेते हैं. तो फर्स्ट डिवाइड है हमारा -4 raised to 5 डिवाइड बाय -4 raised to 8. तो -4 का 5 है डिवाइड बाय -4 की पावर 8. फर्स्ट थिंग कि दोनों पावर प्लस में, तो हमें कुछ नीचे ले जाने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जब डिवाइड होता है ना, तो हमें माइनस करना होता है, यानी -4 उसकी पावर को एक दूसरे से माइनस कर देंगे, यानी 5 को माइनस करेंगे 8 में से, फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे सेकेंड वाले में से. तो 5 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, -3, क्योंकि 8 की साइन माइनस है, सो -3. अब ये -3 तो हम इसको नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस होगा, यानी 1 अपॉन -4 raised to 3 हो गया, raised to 3. बस हमें इतना ही फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है मल्टीप्लाई करके आपको, ठीक है. तो यहाँ तक फाइंड आउट करना था, हमने कर लिया.
देन सेकेंड नंबर यहाँ पे 1 2 रेज़ टू 3, उसकी पूरे की होल पावर 2, तो इसकी तो कोई पावर नहीं है, 1 की पावर स्क्वायर होगा वो कुछ भी नहीं होगा, तो 1 का स्क्वायर, अब नीचे तो ऑलरेडी 2 है तो इसको 3 को इसमें रहने दो, फिर ब्रैकेट करो और 2 कर दो। अब इन दोनों के बीच में पता क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 और ये 3 2 6, यानी 2 की पावर कितनी हो गई, 6। जब ऐसे पावर होगी ना तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, एडिशन करना है, और इस तरह से पावर दी हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 रेज़ टू 6। यहाँ पर आंसर कितना हो गया, 2 रेज़ टू 6। थर्ड नंबर की बात करते हैं, अब यहाँ पे -3 है इनटू उसकी पावर है 4, 5 रेज़ टू 4 एंड 3 रेज़ टू 4, दोनों का 4 है, ऐसे किया है तो दोनों का 4 हो गया, राइट। तो अब यहाँ पे -3 है, ये +3 है, तो -3 हटा देते हैं, तो 3 ये कट हो जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ पे -1 इंटू 5 रेज़ टू 4, डन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, चलिए फिर से करते हैं, देख लीजिए किस तरह से करना है। तो ये जो 3 है ऊपर जाएगा तो माइनस कर सकते हो आप, इसकी पावर भी 4 है, तो कर लेते हैं -3, 4 - 4 इंटू 5 रेज़ टू 4, 4 में से 4 गए तो 0, इसकी पावर 0 इंटू 5 रेज़ टू 4, तो कितना होगा, 5 रेज़ टू 4 है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर 5 रेज़ टू 4 भी आप लिख सकते हो, क्योंकि 3 रेज़ टू 0 का मतलब होता है इंटू 1, 1 करने पे वही आंसर सेम कॉपी होगा। आगे देखते हैं फोर नंबर, 3 रेज़ टू -7 डिवाइड बाय द 3 रेज़ टू -10 इंटू 3 रेज़ टू 5, तो 3 रेज़ टू -7 डिवाइड बाय 3 रेज़ टू -10 ब्रेक इट ओवर इंटू 3 रेज़ टू -5, तो -7 और -10 इसका क्या होगा, तो -7 डिवाइड में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस एंड -10 इज इक्वल टू इंटू 3 रेज़ टू -5 ब्रैकेट ओवर, डन। अब हम क्या करेंगे, ये क्या है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लस कर लोगे तो कितना आंसर हो जाएगा आपका, 7 में से 10 गए तो प्लस, सॉरी 10 में से तो 3, और ये -5 है तो 3 रेज़ टू -5, 5 में से 2 3 गए तो कितने बचेंगे, 3 रेज़ टू स्क्वायर, यहाँ पर आपका आ गया 3 रेज़ टू -2 है, सो क्या होगा, 1/3 करोगे आप, ये रहा 7 10 में से 7 गए तो कितने बचे, 3, 3 रेज़ टू 3 एंड 3 रेज़ टू -5, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गए तो 2, बिगर अमाउंट की साइन माइनस, सो 3 रेज़ टू -2, अब माइनस है प्लस में करने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड में जाओगे, यानी 1/3 रेज़ टू 2। लास्ट क्वेश्चन, 2 रेज़ टू -3 इंटू -7 रेज़ टू -3, अब ऊपर की पावर सेम है, नंबर अलग अलग है, तो पहले इनको प्लस कर लेते हैं क्योंकि दोनों माइनस में है, तो 1/2 रेज़ टू 3 इंटू 1/7 रेज़ टू 3, दोनों प्लस में हो गए, अब 1 1 ज़ा 1, 2 7 ज़ा 14, पावर सेम 3। अगर पावर सेम है तो क्या करोगे आप, उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करके पावर सेम लिख सकते हो, एक ही बार लिखना है, तब वन टाइम ही राइट डाउन करना है, 7 2 ज़ा 14, पावर 3 की 3 रहेगी, उसको कोई मल्टीप्लाई आपको करना नहीं है, डन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू, आपको जो इक्वेशंस दी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 3 रेज़ टू 0 प्लस 4 रेज़ टू -1 इंटू 2 स्क्वायर, तो 3 रेज़ टू 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, माइनस 4 रेज़ टू -1 की वैल्यू होगी 1/4, प्लस कर दिया इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, एंड यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5, यानी 5/4, 2 का स्क्वायर 4, तो कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, क्योंकि 4 है तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये दोनों कट, आंसर कितना आएगा, 5, डन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ पे फिर से पावर दी है 2 रेज़ टू -1 इंटू 4 रेज़ टू -1 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू -2, तो पहले सबको प्लस में कर लेते हैं, तो ये आ गया, सभी प्लस में, डिवाइड बाई 2 रेज़ टू -2,
अब क्या होगा, तो यहाँ पे टू जो फोर रेस टू वन है उसका टू कर देते हैं, टू रेस टू स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया टू रेस टू थ्री डिवाइड बाय टू रेस टू माइनस टू, राइट। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी टू रेस टू माइनस थ्री, ये ऊपर गया तो माइनस, डिवाइड बाय टू रेस टू ऑलरेडी माइनस है तो टू रेस टू थ्री डिवाइड में क्या करते हैं हम, माइनस, एंड टू रेस टू माइनस टू, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा माइनस थ्री प्लस टू, यानी कि टू रेस टू माइनस वन, यानी कि वन अपॉन टू, ये आपका आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर थ्री, वन अपॉन टू रेस टू माइनस टू, वन अपॉन थ्री माइनस टू, वन अपॉन फोर रेस टू माइनस टू, तो इन सभी नंबर्स को रेसिप्रोकल कर लेते हैं प्लस करने के लिए, तो टू रेस टू वन माइनस टू, ये भी ऊपर आया, देन माइनस टू एंड फोर का भी, अब माइनस माइनस सभी का कर लीजिए प्लस, देन तो टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर एंड फोर का स्क्वायर, टू का स्क्वायर होता है फोर, थ्री का स्क्वायर होता है नाइन एंड फोर का स्क्वायर होता है सिक्सटीन, सभी का प्लस करो कितना आंसर आ रहा है, ट्वेंटी नाइन। फोर्थ नंबर, अब थ्री रेस टू माइनस वन, फोर रेस टू माइनस वन एंड फाइव रेस टू माइनस वन, सबका हो गया वन अपॉइंट थ्री, वन अपॉइंट फोर, वन अपॉइंट फाइव, क्योंकि माइनस था, सभी को हम ले गए कहाँ पे, रेसिप्रोकल करके नीचे, पावर कितनी है जीरो, जब किसी भी नंबर्स की पावर जीरो होती है उसका मतलब कि सभी का आंसर कितना हो गया जीरो, वन, तो इन सबका आंसर कितना हो जाएगा वन। क्वेश्चन नंबर फाइव, टू अप माइनस टू अपॉन थ्री की पावर माइनस टू इंटू टू, तो क्या करोगे आप, पहले ये टू ये टू दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया माइनस फोर, टू टू जो फोर एंड माइनस प्लस माइनस, तो माइनस टू अपॉन थ्री का कितना हो गया माइनस फोर, तो कर लीजिए। अब माइनस से प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, तो माइनस टू नीचे इज इक्वल टू फोर, अब इसकी वैल्यू थ्री को अगर आप कितने टाइम फोर टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा एटी वन, टू को करोगे तो सिक्सटीन, तो आंसर कितना आया एटी वन अपॉन सिक्सटीन। क्वेश्चन नंबर फोर, एट रेस टू माइनस वन इंटू फाइव रेस टू थ्री डिवाइड बाय टू रेस टू फोर, और सेकेंड क्वेश्चन है फाइव रेस टू माइनस वन इंटू टू रेस टू माइनस वन होल ब्रैकेट सिक्स रेस टू माइनस वन, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म, तो माइनस वन ये है तो इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये क्या होगा टू रेस टू माइनस थ्री, क्यों, क्योंकि एट का क्यूब हो गया और ये माइनस फोर ऊपर आया आपका, तो कितना होगा आपका, तो माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस थ्री प्लस फोर कितना हो जाएगा टू रेस टू वन, ये सॉल्व हो गया, अब बचा फाइव क्यूब, तो कर लीजिए टू रेस टू वन का टू इंटू फाइव का क्यूब कितना होगा फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव, तो फाइव फाइव ज़ार ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव फाइव ज़ार वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव, इंटू टू किया तो कितना आंसर आया आपका टू हंड्रेड फिफ्टी। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर की सम की, फाइव रेस टू वन, टू रेस टू माइनस वन, सभी के माइनस पावर है, इंटू होल ब्रैकेट सिक्स रेस टू माइनस वन, तो फाइव का क्या करेंगे वन अपॉन फाइव, टू का क्या किया हमने वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन सिक्स, अब कर लीजिए मल्टीप्लाई, वन वन ज़ा वन, फाइव टू ज़ा टेन, यानी वन अपॉन टेन इंटू वन अपॉन सिक्स, तो वन वन ज़ा फिर से वन एंड टेन सिक्स ज़ा सिक्सटी, तो आंसर कितना आया वन अपॉन सिक्सटी। देन क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, यहाँ पे वैल्यू ऑफ एम फाइंड आउट करनी है, तो क्वेश्चन क्या है, फाइव रेस टू एम डिवाइड बाय फाइव रेस टू माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव रेस टू फाइव, तो फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, ऊपर वाली पावर की बात करते हैं, डिवाइड में क्या होता है एम इज इक्वल टू डिवाइड में माइनस, माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव, हम सिर्फ पावर देख रहे हैं, सिर्फ ऊपर की पावर को मैंने लिया है, डन, तो माइनस एम डिवाइड में क्या होगा माइनस, ऑलरेडी माइनस थ्री है इज इक्वल टू फाइव, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एम प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव, अब ये प्लस थ्री यहाँ पर आएगा तो क्या होगा माइनस, सो एम इज इक्वल टू फाइव में से थ्री माइनस किया तो कितने बचे टू, यानी एम की वैल्यू कितनी मिली हमें टू, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है, हमने सिर्फ ऊपर के नंबर्स को कंसीडर किया, जो पावर है उसे कंसीडर किया है, ओके। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर वन टू फाइव कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट वीडियो में आगे के सम करेंगे सिक्स से, थैंक यू।